हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए पेपर आपके यूजीसी नेट जेआरएफ साइकोलॉजी का। ये परीक्षा कब हुई थी? परीक्षा हुई थी आपकी दिनांक 12 जुलाई 2022। 12 जुलाई 2022 को ही परीक्षा का अभी हम सॉल्व करेंगे आगे। अब तो ये PYQs में काउंट होगा, लेकिन इस साल जो सवाल आए उसको हम देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने प्लेलिस्ट बनी हुई है 2022 की, तो वहाँ पे जाके उसको आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो जाके नीचे लिंक पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो आपको लाइन से वहाँ पे देखने मिल जाए और 100 के 100 सवाल आपको ईजीली एक्सेस हो जाए, ईजीली मिल जाए। कोई भी सवाल आप मिस ना करें, और वो सवाल से संबंधित अगर कोई रिलेटेड सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा 2023 जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, अप्रैल मई जून जब भी एग्ज़ाम होगा इसका, आपका दिसंबर 22-23 मर्ज होके कैसे क्या होगा, वो सब नोटिफिकेशन आने पे ही सब बातें होंगी। आप लोग का काम है यूट्यूब पे समय व्यर्थ करना और यहाँ वहाँ पे ये वीडियोस देखना अपडेट डेली, तो उसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ओके, चलिए हमारा जो काम है क्वेश्चन नंबर 22-37 की बात करेंगे। यह पूछ रहा है यहाँ पे आपसे साइकोलॉजी PYQ के अंदर, इंडिजनाइजेशन ऑफ रिसर्च वॉज प्रपोज्ड फॉर, यानी कि देशीकरण, किसी भी चीज का देशीकरण क्यों हुआ जाता है, सिंपल सा सवाल पूछा है। ऑप्शन दिए हैं आपके पास, द प्रमोशन ऑफ नेटिव कल्चर, देशीय संस्कृति का क्या करना है, संवर्धन, संवर्धन क्या होता है, ठीक है, ओके। फिर ओवरकमिंग डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता स्थापित करने में कठिनाई के निराकरण के लिए, ओवरकमिंग डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग फेनोमेना इन अ गिवन कल्चर, या फिर एंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च, ठीक है। तो इन सब में से करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओवरकमिंग डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग फेनोमेना इन अ गिवन कल्चर। इसका अर्थात वही है कि मान लीजिए कोई चीज़ अमेरिका में चल रही है, वो आके यहाँ पे भारत में नहीं चल सकती, या फिर भूटान में नहीं चल सकती। इसका क्या ज़रूरी है? इसका देशीकरण ज़रूरी है, इसका इंडिजनाइजेशन इसका ज़रूरी है, ठीक है। तो शोध के देशीकरण प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था, ठीक है। शोध का क्या करना है? हमको देशीकरण करना है। जो रिसर्च अमेरिका में चलेगी वो आपकी इंडिया में नहीं चलेगी, ओके। अब जैसे यहां पे इंडिया में आपके क्या चलता है? आपके चलता है समोसा, ठीक है। ये समोसा अमेरिका में नहीं चलेगा, वहां क्या चलेगा? वहां पे मैकडॉनल्ड्स और बर्गर और जो भी है चीजें वहां पे चलेंगी, ठीक है, ओके। तो इसीलिए आपका होता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। नहीं, एक बार ये भी देख लीजिए, प्रदत्त संस्कृति की किसी परिघटना को स्पष्ट करने में आई कठिनाई से पार पाना, कोई कठिनाई आ रही है उसको स्पष्ट करने के लिए क्या करना है हमको? इसका देशीकरण करना है शोध का, शोध में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना, और ये रहा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, आप इसको नोट कर ले, जहां भी जैसा करना है कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ये रहा आपका अगला सवाल, ये पूछ रहा है आपसे, माइलिन शीथ Which insulates most axons in CNS is produced by, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा बायोसाइको का अर्थ। नहीं समझ में आ रहा है तो जाके एक बार लिंक देखिए नीचे, ठीक है, डेमो वीडियो पड़ा हुआ है वहां पे, है ना, वहां से जाके आप लिंक देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसकी महत्वता, ठीक है, ओके। तो ये है आपका बायोसाइकोलॉजी का सवाल। क्या पूछ रहा है यहाँ से? ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, माइलिन शीथ जो आपकी है, जो किसको इंसुलेट करती है? सभी एक्सॉन्स को, है ना, वो कहाँ पे? CNS में। दो चीजें होती हैं, CNS और दूसरा क्या होता है, है ना, तो वहां पे CNS अलग प्रोड्यूस करता है, यहाँ अलग प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया है आपको ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, फिर दिया है यहाँ पे श्वान सेल्स, यहाँ दिया है माइक्रोग्लिया, और फिर यहाँ पे दिया है एस्ट्रोसाइट्स। प्रश्न को एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। CNS में अधिकांश अक्ष तंतुओं को विलग करने वाली, है ना, विलग कर रही है यहाँ पे माइलिन शीथ यानी धवल मज्जा छद का निम्नलिखित में से कौन उत्पादन करता है, यानी आपके CNS में जो माइलिन शीथ बनती है उसका उत्पादन कौन करता है? ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल, माइक्रोग्लिया, या फिर एस्ट्रोसाइट्स।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर वीडियोस फॉलो करते हैं तो इजीली बन जाएगा। करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं आपके कहाँ पे? सीएनएस के अंदर, ठीक है। और दूसरी जगह कौन बनाता है वो आपको मालूम है तो नीचे कमेंट कर दे, ठीक है। ओके, दूसरी जगह भी और दूसरी जगह कौन बनाता है मैलिन शीट, वो भी, दोनों, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अब अगला सवाल हमको देखने मिल रहा है यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम के बारे में। लिम्बिक सिस्टम कहाँ होता है? ये आपके इकोसिस्टम में मिलता है, ठीक है। और ये इकोसिस्टम कहाँ है? ठीक है, ओके। बात करते हैं यहाँ पे, द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द लिम्बिक सिस्टम इज, हिपोकैम्पस, सिंगलेट गायरस, फॉर्निक्स और या फिर एमिगडेला। क्या पूछ रहे हैं आपसे? आपसे पूछ रहे हैं उपवल्कुटीय तंत्र के बारे में, यानी कि लिम्बिक सिस्टम में सबसे बड़ी संरचना, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है? हिपोकैम्पस, सिंगलेट गायरस, फॉर्निक्स और या फिर एमिगडेला। इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगुलेट गायरस, ठीक है। सिंगुलेट गायरस इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से एक क्या है आपका जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है? वो है आपका सिंगुलेट गायरस। फॉर्निक्स भी दिया हुआ है, एमिगडेला भी दिया हुआ है और हिप्पोकैम्पस भी दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, ठीक है। और एक और यहाँ पे नोट, यहाँ पे ये कि प्लीज इसकी पीडीएफ की कोई डिमांड नहीं करेगा प्लीज नीचे कमेंट में, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ अलग विषय वस्तु हो जाती है और यहाँ पे आपका प्राइवेसी का आर्टिकल आ जाता है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी। क्योंकि अगर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो इससे आप, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये रहा आपका अगला सवाल, और इससे बेसिक सवाल, इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा यूजीसी नेट के पेपर में, ठीक है। इतना बेसिक सवाल मतलब ठीक ही है। चलिए, तो द ह्यूमन रेटिना कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, मानव रेटिना में लगभग खाली स्थान होते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? यहाँ आपसे पूछ रहा है शंकुओं के बारे में, ठीक है। 6 मिलियन रॉड्स, 120 मिलियन कोन्स, 6 मिलियन कोन्स एंड 120 मिलियन रॉड्स, 6 मिलियन रॉड्स एंड 120 मिलियन कोन्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 मिलियन कोन्स एंड 120 मिलियन रॉड्स, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। और ये सभी आंसर कहाँ से मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं आपको यूजीसी नेट की आंसर की से, ठीक है। इस बार कुछ भी रिवाइज वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी है सब पहली बार में करेक्ट आंसर। 6 मिलियन कोन्स होते हैं, ऐसे देखिए, 6 मिलियन कोन्स और 120 मिलियन रॉड। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 6 का डबल 12, और फिर सी पहले आता है, कोन्स पहले और मिलियंस बाद में, ठीक है, मतलब आर बाद में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये सब निमोनिक आपको बनाने होंगे, ठीक है, खुद के लिए। ये तो आपको बता रहे हैं, लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें और भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके, अब चलते हैं मानव रेटिना के आगे और देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया था। अगला सवाल यहाँ पूछ रहे हैं आपसे एनईईजी इलेक्ट्रो ड्यूरिंग एनआरईएम स्लीप शोज खालिस्तान वेव्स। एनआरईएम निद्रा के दौरान ईईजी रिकॉर्ड खालिस्तान तरंगों को दर्शाता है, तो कौन सी वेव्स को दर्शाता है ईईजी? जब आपका कौन सी स्लीप में होते हैं? एनआरईएम स्लीप में होते हैं तब। डेल्टा वेव्स, अल्फा वेव्स, थीटा वेव्स एंड बीटा वेव्स। काफी सिंपल सा आंसर है इसका, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा वेव्स, ठीक है। आपको डेल्टा तरंगें मिलेंगी कब? आपको मिलेंगी एनआरईएम में। और आपको एक आश्चर्य की बात, भौचक्का होने की बात, कि आपसे कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक वेव्स होती है, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ये पढ़ाई भी अच्छे से करें। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स फॉर डेवलपिंग फर्स्ट वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल क्यों बनाया गया, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? प्रथम वेक्सलर बुद्धि मापनी को बनाने का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? मेन पॉइंट क्या था? मेन इन द सेंस प्राइमरी पॉइंट, प्राथमिक क्या प्रमुख उसका उद्देश्य था? मीट द नीड ऑफ एन इफेक्टिव एडल्ट स्केल, प्रोवाइड अ टेस्ट, एक ऐसा परीक्षण विद इंक्रीज फेस वैलिडिटी, डेवलप वाइडली एक्सेप्टेबल स्केल फॉर चिल्ड्रन, और फिर हैव स्केल विद एम्फेसिस ऑन स्पीड कंपोनेंट, ठीक है। तो
ये पूछ रहा है आपसे कि वेस्लर स्केल को क्यों बनाया गया, ठीक है? यहाँ क्या बोल रहा है आपसे? एक उपयुक्त वयस्क मापनी की आवश्यकता को पूरा करना, ठीक है, क्योंकि एडल्ट वाली नहीं थी उनके पास, ऐसा बोल रहे हैं। फिर प्रथम दृष्टि फेस वाली उच्च वैधता युक्त एक परीक्षण उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए व्यापक रूप से स्वीकार्य मापनी विकसित करना, और गति अवयव पर बल देने वाली मापनी तैयार करना, ठीक है? ऐसी स्केल बनाना जिसपे एम्फेसिस किस पे हो, आपके स्पीड के कंपोनेंट के ऊपर हो, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि मीट द नीड ऑफ एन इफेक्टिव एडल्ट स्केल। एक उपयुक्त वयस्क मापने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही किसको लेके आया? आपके वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल को। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इसको बनाने के पीछे, क्योंकि वयस्क लोगों के पास, एडल्ट लोगों के पास उस वक्त ये नहीं थी, ठीक है? ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ये रहा आपका अगला सवाल। द प्रोसेस बाय विच वी ट्रांसलेट सेंसरी इंफॉर्मेशन इंटू अ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन दैट वी प्रोसेस इज नोन एज। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा हम ज्ञान इंद्रियों सेंसरी सिस्टम के माध्यम से अनुभूत संवेदी सूचना को सार्थक प्रस्तुति के रूप में संशोधित करते हैं? मतलब कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी जानकारी है, वो कहाँ एंट्री मारेगी? एंट्री मारेगी आपके सेंसरी सिस्टम में। उसके बाद आप क्या बनाएंगे उसको? सेंसरी इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन बनने के बाद क्या होगा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है? ताकि हम इसको कैसे बना लेंगे? इंटू अ मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन, है ना, सार्थक प्रस्तुति के रूप में संशोधित करते हैं। वो क्या होता है? पूछ रहा है आपसे सिमेंटिक एनकोडिंग, फिर आपसे पूछ रहा है एपिसोडिक डिकोडिंग, फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रैग्मेटिक रिप्रेजेंटेशन। अरे अरे भैया, इनकी बातें कहाँ कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ क्या बोल रहा है आपसे? बोल रहा है शब्दार्थ विषयक कूट संकेतन, ठीक है, सिमेंटिक एनकोडिंग, घटनात्मक कूट अनुवाद, एपिसोडिक डिकोडिंग, साध्यात्मक प्रस्तुति, प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन, प्रैग्मेटिक। ये सब तो बकवास है। मेन आंसर क्या है आपका? शब्दार्थ विषय का कूट संकेतन। आप क्या करते हैं, किसी भी जानकारी का, किसी भी सूचना का क्या करते हैं आप? एनकोडिंग करते हैं। जब संवेदी तंत्र से होके आती है कोई भी जानकारी, तो पहले क्या, कहाँ एंट्री करती है वो? सेंसरी मेमोरी में। उसके बाद आप क्या करते हैं उसको? सार्थक प्रस्तुति के रूप में संसाधित करते हैं, ठीक है? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, शब्दार्थ विषय का कूट संकेतन। इस बात का ध्यान रखें। एपिसोडिक डिकोडिंग ये रही है, ये रही, क्या बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है? अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ये रहा आपका अगला सवाल, यूनिट नंबर 5। विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल ऑफ विजुअल ऑर्गेनाइजेशन? गेस्टाल्ट में 3 लोग थे, निम्नलिखित में कौन सा गेस्टाल्ट चाक्षुष संगठन के नियमों में से एक नहीं है? सिमिलैरिटी, प्रॉक्सिमिटी, लेटरलाइजेशन एंड कॉमन फेट, ठीक है? करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, लेटरलाइजेशन, ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल आपका, द सोमैटिक नर्वस सिस्टम फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ खालिस्तान नर्व। कायिक तंत्रिका प्रणाली, सोमा मतलब बॉडी, खालिस्तान तंत्रिका की सहायता से कार्य करती है। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल एंड स्पाइनल, गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स, अरे अरे एंड क्रेनियल, ठीक है, कपालीय, मेरुदंडीय, कपालीय तथा मेरुदंडीय, और गंडिका संबंधी तंत्रिकाएं तथा कपालीय। तो आपने लेक्चर किया है, उसके अंदर बताया भी है कौन सी कितनी होती है, तो उस चीज को ध्यान रखें। इस टाइप से भी देखिए सवाल यूजीसी पूछ रहा है, ठीक है? ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कपालीय तथा मेरुदंडीय जो है वो क्या करती है? कायिक तंत्रिका प्रणाली कपालीय तथा मेरुदंडीय तंत्रिका की सहायता से कार्य करती है। द सोमैटिक नर्वस सिस्टम फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है? ओके, इजी सवाल, ओके, नोटिंग अच्छे से करें। ऑल राइट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे अगला सवाल क्या बोल रहा है? सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच वुड अलाउ कल्चरल व्हाट? सामाजिक निर्मितवादी उपागम सांस्कृतिक खालिस्तान की अनुमति देता है। इनवेरियंस, होमोजेनियटी, हेजेमोनी एंड डाइवर्सिटी, अपरिवर्तनीयता, सजातीयता, वर्चस्व या फिर वैविध्य, ठीक है? तो आप कौन से फील्ड में है? सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच में क्या अलाउ करेगा? आपकी डाइवर्सिटी अलाउ करेगा, यानी कि वैविध्य अलाउ करेगा, मतलब उसको चाहिए है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? वैविध्य की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, विल अलाउ कल्चरल डाइवर्सिटी। ओके,
ठीक है, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। ये देखिए अगला सवाल, सेंसेशन सीकिंग अमंग एडोलेसेंट्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, किन्होंने बेस्ट डिस्क्राइब किया है सेंसेशन सीकिंग के बारे में? ठीक है, कैसे? लो सेल्फ रेगुलेशन, अरे अरे अरे, निम्न आत्मनियमन की बात क्यों कौन करेगा भाई? ठीक है, लुकिंग फॉर नोवल एक्सपीरियंसेस, रिस्क टेकिंग, या फिर सोशलाइजिंग? किशोरों के बीच संवेदन प्राप्ति की प्रवृत्ति को खालिस्तान के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया गया है। ठीक है, सवाल ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन में क्या क्या है आपके पास? आपके पास है निम्न आत्मनियमन यानी कि लो सेल्फ रेगुलेशन, देन उसके बाद अभिनव अनुभवों को खोजना, जोखिम उठाना, या फिर समूह में घुलना मिलना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नोवल सीकिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभिनव अनुभवों को खोजने की, है ना, सेंसेशन सीकिंग। एंड आप लोग मत करना ज्वाइन, है ना, मत करना। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये क्या पूछ रहा है आपसे? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन द फॉलोइंग इज इन अ क्वेश्चनेयर, एक सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, और ये जानना चाह रहा है, व्हाई डिड यू गो टू सिनेमा लास्ट नाइट, आप लास्ट नाइट सिनेमा में क्यों गए, इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप पिछली रात सिनेमा क्यों गए थे, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार का प्रश्न है पूछ रहा है, क्या है नॉलेज है, ज्ञान के बारे में, अभिप्रेरण के बारे में पूछ रहा है, फैक्चुअल या फिर ओपिनियन अभिमत जानने की कोशिश कर रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिप्रेरण, है ना। आप सिनेमा, आप पिछली रात सिनेमा क्यों गए थे, आपका क्या मोटिवेशन था सिनेमा जाने का, आपका क्या अभिप्रेरण था मोटिवेशन जाने का, ये आपसे यहाँ सवाल पूछ रहा है 2022 में। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल पूछ रहा है, साइकोलॉजिकल रिसर्च, रिसर्च से हमको सवाल देखने मिले, डज नॉट अलाउ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, यानी कि साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर कौन सी एक्टिविटी इन चारों में से अलाउड नहीं होगी, कोई एक की बात होगी। डीब्रीफिंग द पार्टिसिपेंट्स, अरे सबसे पहले यही तो होता है, ऐसे कैसे। मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, मार खाना है क्या। नॉन ग्रांटिंग परमिशन टू विड्रॉ फ्रॉम रिसर्च प्रोसेस, मार खाना है क्या। ऑप्टेनिंग कंसेंट टू कंडक्ट द रिसर्च, हाँ ठीक है। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान जो होते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप की अनुमति नहीं देता है? ठीक है, सहभागियों को अध्ययन के बाद सूचित करना, ठीक है, क्या करना है, सहभागियों को अध्ययन के बाद सूचित करना, देन गोपनीयता बनाए रखना, फिर अनुसंधान प्रक्रिया को बीच में छोड़ने की अनुमति ना देना, और फिर ऑप्टेनिंग कंसेंट टू कंडक्ट द रिसर्च। तो अभी तक आप लोग सब सही आंसर पे पहुंच गए होंगे। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, नॉन ग्रांटिंग परमिशन टू विथड्रॉ फ्रॉम रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, यानी कि अनुसंधान प्रक्रिया को बीच में छोड़ने की अनुमति ना देना, आपको अनुमति क्या करनी होगी, देनी होगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मिस्टर जिम्बार्डो ने अपने जो जेलर और कैदी थे उनको छोड़ दिया था बीच में, ठीक है, घर जाके खा पी के आओ उसके लिए, ऐसे नहीं परमानेंटली छोड़ दिया था उन्होंने, इतना उनको ट्रॉमा महसूस हो गया था, और वही सवाल उन्होंने क्या कर लिया, आपसे पूछ लिया। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम आगे अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पूछ रहे हैं, इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप एन एग्जामिनी स्कोर्स 1 SD अबव द मीन, आपका जो मीन है, व्हाट शैल बी हर हिज परसेंटाइल स्कोर, क्या पूछ रहा है आपसे, परसेंटाइल स्कोर के बारे में पूछ रहा है, इनमें से उसका कौन सा होगा। प्रकृत प्रायिकता वितरण वाले समूह में किसी परीक्षार्थी को औसत से 1 SD, ठीक है, औसत से 1 SD अधिक अंक प्राप्त होता है, उसका प्रतिशतांक मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। 34, 68, 84, 51, सभी को मालूम है 1 SD किसकी बात कर रहा है, अबाउट द मीन बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 84। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम आज के लास्ट सवाल के ऊपर इस कड़ी के। ये सवाल बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, NPC में कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, ऐसा पूछ रहे हैं आपसे। ऑप्शन क्या दिया है, इट इज बायलेटरी लेटरली सिमेट्रिकल, इट इज बेल शेप्ड, आज बहुत ज्यादा लेक्चर हो गए, जबान लफड़ा रही है, इट इज बेल शेप्ड, इट्स स्क्यूनेस इज जीरो, इट्स कोटोसिस इज जीरो, निम्नलिखित में कौन सा कथन, प्रकृत प्रायिकता वक्र, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व मतलब प्रकृत प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी प्रायिकता और वक्र, वक्र, एक और वक्र पढ़ा हमने किसका, एबिंगहाउस जी का एक और वक्र पढ़ा हमने,
अधिगम का वक्र, ठीक है, ओके, वो सब लेक्चर के अंदर, पर लागू नहीं होता है, यह द्विपक्षीय दृष्टि से संभावित है। अच्छा, यह घंटी के आकार का है, इसका वैषम्य शून्य है, इसकी वक्रता शून्य होती है। करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, नहीं मालूम है तो लाइक कर दीजिए, और ऑलरेडी लाइक किया हुआ है तो फिर से चेक कर लीजिए लाइक किया या नहीं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है इसको देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगली कड़ी में। प्लेलिस्ट उसको आप क्या कर लीजिए, प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए, नीचे उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां जो नंबर 1, 2, 3 है वो वीडियोस को लाइन से देखते आइए, उसी कड़ी में यहाँ पे नंबर 4th वीडियो भी जोड़ दिया जाएगा, एंड इसका आंसर के लिए आप वेट करिए 5th वीडियो का, वहां पे इसका आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, स्टार्टिंग में तो नहीं, एंड में ही कर देते हैं, ठीक है, बीच में भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पीडीएफ भी नहीं है कि अचानक से आ जाएंगी वो बीच में, ठीक है। ओके, तो जून 23 के लिए बैच स्टार्ट होने वाला है, उसकी फीस है 15,000 ओनली, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 22 तारीख के पहले, कि 22 तारीख के बाद आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ओके, क्योंकि फीस तब हो जाएगी आपकी कितनी, फीस तब हो जाएगी आपकी 22,000, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 22 तारीख के पहले इस नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल्स वगैरह आप बात कर सकते हैं हमसे, और फिर वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप सही में नेट निकालना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, सॉरी, जेआरएफ निकालना चाहते हैं तो ही ज्वाइन करिए, अन्यथा समय खराब ना करें, आपका भी और हमारा भी, जो समय है बहुत कीमती है ना, आपका भी और हमारा भी, तो उसको प्लीज, अगर आप सिंसियर हैं एकदम, तो ही ये एग्जाम क्लियर करने के लिए इसको ज्वाइन करें। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ऑल द बेस्ट, जरूर करिए उसको, ठीक है, उससे भी निकलेगा, चैनल की वीडियोस देखते रहिए, जो कोर्स के बच्चे हैं वो भी देखेंगे, आप भी देखिए, सभी वीडियोस देखिए, एंड आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे इस सवाल के करेक्ट आंसर।